तो चलिए गाइस, ट्यूटोरियल में मैंने चार पार्ट बना दिए थे, बेसिक स्टेप तीन तीन करके आपको जो सिखा रहा हूँ, तो वो जो स्टेप है किसी भी सॉन्ग पे आप यूज कर सकते हो, बॉलीवुड सॉन्ग पे वो चीजें सिखा रहा था मैं। उसके हमने चार पार्ट बना दिए हैं, पांचवा पार्ट आगे आप देखो, ठीक है। तो उसके बाद आगे इसमें क्या करना, अच्छे से सीखना, आई होप वो स्टेप भी आपको समझ आएंगे, और उन स्टेपों की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना ताकि वो आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उनमें फिनिशिंग भी उतनी ही आएगी, क्लियरिटी आएगी, और हर जगह आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे के तीन स्टेप देखिए, ये बहुत खास स्टेप है, अच्छे से सीखना, ठीक है, मजा आएगा। और जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा। अभी आप वीडियो शेयर कर रहे हो तो मैं आगे पार्ट बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को व्यू मिल रहे, तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, पार्ट बना रहा हूँ। तो वीडियो को शेयर किया करो जैसे पहले वीडियो शेयर किया, ठीक है। 10-10 को भी शेयर करोगे हर कोई तो भी काफी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों पाँव का ऐसे रखना है, दोनों पाँव को क्रॉस करना है, ये वन, फिर वापिस खोलना है ये। क्रॉस करते टाइम ध्यान रखना कि राइट पाँव आगे से जाएगा, राइट पाँव आगे से जाएगा, लेफ्ट पीछे से, ठीक है, राइट आगे से लेफ्ट, और हाथ भी ऐसे क्रॉस हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, पाँव के साथ, वन टू, ठीक है। या फिर आप अगर लेफ्ट करोगे तो वो भी सही है, ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल लगे ना, लेफ्ट आगे रख लेना है, राइट कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट कंफर्टेबल है तो लेफ्ट रख लेना, जैसे मेरा लेफ्ट कंफर्टेबल हो रहा है तो आप लेफ्ट रख सकते हो, राइट भी रख सकते हो। देखो पंजे को थोड़ा सा, मतलब ऐसे नहीं रखना है, सीधा नहीं रखना है पंजा, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेना, एडी को बाहर निकाल लेना दोनों का, तो ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा पोज लगेगा, घुटनों को थोड़ा सा बैंड कर लेना, वन टू, वन हाथ भी क्रॉस पाँव भी क्रॉस। देखो पंजा मैंने ऐसे कर रखा है, आपको ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ये भी थोड़ा सा बाहर निकालना है, और थोड़ा सा ऐसे सीधा नहीं, हल्का सा झुक जाना है और वापिस जाना, ठीक है, समझ आया। वन टू हो गया, उसके बाद लेफ्ट साइड की तरफ बॉडी करके दोनों हाथ ऐसे ऐसे है, इनको थोड़ा ऐसे कर लेना, और ऊपर की तरफ एक दो, हाथ ऊपर जाएगा जब काउंट करना है, पाँव भी ऊपर उठेगा, लेफ्ट वाला, लेफ्ट साइड की बॉडी है तो लेफ्ट वाला, वन टू, थोड़ा सा ऐसे कर लेना ताकि फेस दोनों हाथों के बीच से दिखता रहे, वन टू, पैर अब ऊपर उठ रहा है तब काउंट करना है, वन फिर नीचे, टू फिर नीचे, वन टू, फास्ट करोगे बार बार क्लियर भी आएगी, याद हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखो, वन टू थ्री फोर, फिर से फाइव सिक्स, अब की बार राइट साइड में होके, अब ये राइट लेग, टू, ठीक है, वन टू, ठीक है, तो ये फास्ट कैसे हो जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है, हुआ। अब देखो सेकंड स्टेप, पहला स्टेप होगा क्लियर, अच्छे से समझना, प्रैक्टिस ज्यादा करना, म्यूजिक पे आप सॉन्ग भी यूज करके देखना, आराम से हो जाएगा, ठीक है, किसी भी म्यूजिक पे, ये इतनी ही बीट में मैंने इनको यूज किया ताकि आप किसी भी म्यूजिक पे वर्ड पे यूज कर सकते हो, ठीक है। सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप भी हमें करना है, दोनों पाँव क्लोज रखे हैं, आगे किक करना राइट लेग को, और लेफ्ट को थोड़ा सा स्लाइड करना पीछे की तरफ, किक किया आगे, लेफ्ट को स्लाइड किया, ठीक है, इधर से देख लो एक बार, वन टू, ठीक है, समझ में आया, फिर से देखो, वन टू, समझ में आ रहा है, वन टू, ये आगे की तरफ करना, किक मारना, वन, अब टू में जंप लेके पांव खोल रहे हैं, ठीक है, वन टू, किक मार लिया, वन टू, क्रॉस करना है राइट लेग, इसमें राइट लेग होना चाहिए, याद रखना, राइट लेग आगे होगा तभी इधर से घूम पाओगे, थ्री एंड फोर, ठीक है, वन टू, राइट आगे आना चाहिए, थ्री राइट आगे आ गया, अब इधर लेफ्ट साइड से आपका लेफ्ट देखो किधर, इधर है मेरा लेफ्ट, इधर से घूम जाएंगे, जोर से घूमोगे तभी पूरा घूम पाओगे, वरना इसमें हाफ रह जाओगे आप, जोर से एफर्ट लगाना है, बार बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, वन टू थ्री फोर, पूरा एफर्ट लगाना है, ठीक है, वन टू थ्री फोर, फास्ट आएगा ये, इसी में एक स्टेप और अटैच करा है मैंने, वो देखो ऐसे राइट साइड में, राइट साइड से वन टू, ठीक है, राइट में वन, फिर लेफ्ट में टू, राइट में पहले राइट पाव उठा के रखा, फिर ये उठा के रखने का, वन टू थ्री फोर, वन टू, जिधर जाओगे उधर ही झुकना है, ठीक है, वन टू थ्री फोर,
तो ये कंटिन्यू कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 मजेदार स्टेप है, बहुत इंप्रेसिव लगेगा जहां पे भी डांस में आप यूज करोगे। ठीक है, फास्ट करना, ये जैसे घूमने वाले पे ध्यान देना, थोड़ी प्रैक्टिस करना, एक में ही घूमना है, पूरा हाथों से जोर लगाना है कि एक उसमें घूम जाओ, दो चार बार नहीं होगा कोई बात नहीं, बार बार प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देखो फास्ट, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया अपना दूसरा स्टेप। ठीक है, अब आ रहा है तीसरा, तीसरा स्टेप देखो फाइनल, इसमें हमें क्या करना है, लेफ्ट हाथ को ऐसे इधर लेके जाना है लेफ्ट साइड की तरफ, फिर राइट को पीछे पीछे लेके जाना है और गोली भी हमारी लेफ्ट साइड की तरफ हो जाएगी। 1 हाथ सीधा होना चाहिए, 2 में हम बॉडी इधर रख लेंगे, इधर रोल करना है, 3 4 रोल अंदर की तरफ होना चाहिए, 3 4 ठीक है, फिर से देखो 1 2 3 4 फिर से देखो 1 2 3 4 ठीक है, फिर से देखो 1 लेफ्ट गया राइट 3 4 अब ये सेम राइट साइड की तरफ, राइट में पहले राइट जाएगा फिर लेफ्ट जाएगा, हम भी घूम जाएंगे लेफ्ट जाते ही, पैर दो बार मारना 1 2 नीचे मारना 1 2 ठीक है, छोड़ना 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया अपना तीसरा स्टेप। ठीक है, तो अब तीनों स्टेपों को म्यूजिक के साथ बताता हूं मैं, अच्छे से सीखना, प्रैक्टिस करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि इसके पार्ट ऐसे मैं आपको देता रहूं। फिर भंगड़े का भी ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, किसी भी सॉन्ग पे कर सकते हो भंगड़ा, ठीक है, वो भी सिखाएंगे बहुत जल्द, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इसके कुछ पार्ट बना देता हूँ पहले। ठीक है, तो चलिए म्यूजिक के साथ देखिए और फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।